हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं अभिषेक। तो सुपरहिट मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक हो रहा है जिसका नाम है सेल्फी और उसका ट्रेलर आ चुका है गाइस। देखो यार, ड्राइविंग लाइसेंस में थे पृथ्वीराज और यहाँ पर है सेल्फी में सम्राट पृथ्वीराज, फ्लॉप मूवी के हीरो अक्षय कुमार और चुम्मन स्टार इमरान हाशमी। अच्छा तो शुभम, ये भी रीमेक है तो अक्षय कुमार तो बॉयकॉट गैंग को एक ही बात बोलते रहेंगे ना, जली ना तेरी भी जली ना। तो मेरा आप लोग से दरख्वास्त है कि यार इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, जिसके कारण हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, इसके कारण हमने 8 दिन से वीडियो नहीं डाला। तो सब्सक्राइब कर दो, चलो ट्रेलर देखते। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपर स्टार है वो। जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती है, 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का। क्या फालतूगिरी चल रही है? पिंटी फिर विजय सर के डांस नंबर के बारे में उचका ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। इरे होते हैं विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, 2 दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा। प्लीज मैडम, प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के। मैं फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते। सबके सामने अपनी यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटा एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। अरे रे रे, रो दिया देख रहा है। विजय सर सबके लिए हीरो होंगे पर मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। जिस पब्लिक ने आसमान में चढ़ा है कोई पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। और भाई लर्नर्स टेस्ट, रोड टेस्ट, चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब देके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। इसका नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। ऐसा लग रहा है अक्षय कुमार का कमबैक ही है। मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है, चीर फाड़ कर देता है ना। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। मुझे लगा बोलेंगे आम आदमी सोता हुआ शेर है, उनकी मत कर चिरफाड़ कर देंगे। लेकिन यार मजा आ गया। हाँ भाई आ तो गया भाई। वो देखा अक्षय कुमार ने बोला हर साल मैं 4 पिक्चर करता हूँ, 2 OTT की अलग से। ऐसे अक्षय कुमार हर प्रोड्यूसर से बोलते 25 दिन में पैसा डबल, ऐसे ही बोल बोल के 5 फिल्में फ्लॉप दे दी। तो यार ट्रेलर देखने के बाद आप लोग को लगता रहेगा वाह क्या ओरिजिनलिटी है, लेकिन ये भी एक मलयालम फिल्म का ही रीमेक है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अक्षय कुमार जैसे साल में 4 फिल्में लाते हैं, हर 2-2 महीने में एक फिल्म आ जाती है, तो वो हर फिल्म करने के बाद प्रोड्यूसर से कहते हैं और वही फिल्म थिएटर में ऑडियंस देखने के बाद कहती है पैसा दो। देखो यार अक्षय कुमार काफी टाइम से बॉलीवुड में चल नहीं पा रहे, OTT पे भी उनकी फिल्म आई वो भी नहीं चली, लेकिन ये फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अब ऑडियंस धड़ाधड़ थिएटर में भर जाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म देखने के लिए, क्योंकि यार अक्षय कुमार एक सुपर स्टार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनका स्टारडम दिखेगा इस मूवी में, वो जो पहले से सबको पता है। तो ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, सिंपली चिल्ड एकदम इस ट्रेलर में तो दिख रहा है, और उनके पुराने गाने भी हम दोनों हैं अलग अलग वो भी मजा आएगा, और साइड में है इमरान हाशमी। और इमरान हाशमी तो ऐसा लगता है कि आजकल के लोगों को सिर्फ यही लगता है
कि वो सिर्फ बोल्ड सीन ही अच्छा करते हैं, लेकिन उन्होंने आवारापन, जन्नत 2, मर्डर 2, उनमें इनकी एक्टिंग नहीं देखी है। उन्होंने ऐसी एक्टिंग की है कि उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो कितने अच्छे एक्टर है। वही सब बोल रहे कि अक्षय कुमार ने 5 फिल्में फ्लॉप दे दी। सब नहीं बोल रहे, चूतिया तू ही कब से बोल रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब, क्योंकि अब 5 फिल्में फ्लॉप दे दी, उसमें से एक फिल्म अच्छी थी रक्षाबंधन, जो ओरिजिनल थी, पर थिएटर में कोई गया नहीं देखने। यार ओरिजिनल फिल्में क्यों नहीं जाते तुम लोग देखने? और वैसे वो जब कभी रीमेक लाते हैं तो पहले आप लोग बॉयकॉट 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 नहीं देखेंगे। पर इस बार अक्षय कुमार ने दिमाग लगाया, अपने विमल पार्टनर को फोन लगाया, मतलब अजय देवगन को। तो अजय देवगन ने फोन उठा के कहा, विमल ठुक के कहा, जुबा केसरी। अरे नहीं भाई, उन्होंने कहा कि सुन अक्षय, तुझे ना ऐसी फिल्मों का रीमेक करना है जो हिंदी डब अवेलेबल ना हो, और खासकर मलयालम इंडस्ट्री का, क्योंकि वो काफी अंडररेटेड है। देख कैसे मैंने दृश्यम 2 बनाई और 200 करोड़ कमाए, तो तू भी वहां की फिल्मों का रीमेक करेगा तो पैसा ही पैसा होगा। ओवरऑल ये विमल ग्रुप का कमबैक लग रहा है, जैसे कि दृश्यम 2 से अक्षय कुमार ने 200 करोड़ छाप लिए, और अभी पठान आ ही रहा है 2 दिन में शाहरुख भाई का, और अक्षय कुमार का ये ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कमबैक करेंगे वो, क्योंकि यार अब विमल ग्रुप तो है ही पावर में। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो यार डिसेंट, ऑनेस्टली बोलूँ तो सेटिस्फाई कर दिया है। एज अ मास कमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्म दिख रहा है, जिसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं इमोशंस आएंगे और टर्न एंड ट्विस्ट तो एंडिंग में, क्योंकि मलयालम फिल्म के इंटरवल तक आप ये सोचोगे क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। लेकिन ये बॉलीवुड मसाला इसमें डाला रहेगा, जिसमें कॉमेडी एंटरटेनमेंट रहेगा, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। तो मजा तो आने वाला है, उम्मीद करते हैं यार अक्षय कुमार की ये फिल्म तो सुपर हिट हो जाए, और इमरान हाशमी है यार कम से कम अब उनका जलवा वापस से बॉलीवुड में नजर आए, तो मजा आ गया यार ट्रेलर देख के। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया, और आप भी अक्षय कुमार के सपोर्ट में, तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए कि हम बंद कर दें यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो लाइक कर दीजिए, मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।